खरगोन जिले में शासन की मंशा अनुरूप अवैध शराब निर्माण खरीदी बिक्री रोकने के लिए अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें आबकारी और पुलिस विभाग की संयुक्त टीम ने 4 लाख रुपए की शराब जब्त करके एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया, जिसमें अवैध शराब माफियाओं में हड़कंप मच गया। दरअसल मुखबिर से सूचना मिली थी कि ग्राम पलोना में रहवासी क्षेत्र में मकान में अवैध शराब को जखीरा रखा है, लिहाजा जिला कलेक्टर अनुग्रह पी ने निर्देशन में पुलिस अधीक्षक शैलेंद्र सिंह चौहान ने अपनी टीम के साथ धिकनगांव और सनावत आबकारी दल की मदद से हेलापरावा के उक्त स्थान पर दबिश दी। इस दौरान 51 पेटी बॉम्बे विस्की, 55 पेटी प्रेसिडेंट, 5,000 स्ट्रांग बियर जब्त की है, जिसकी बाजार मूल्य लगभग 4 लाख रुपए बताई जा रही है। वहीं एक आरोपी साहिबा पिता शंकर को गिरफ्तार किया है। खरगोन से जयंत गुप्ता की रिपोर्ट। जहरीले शराब का कांड के बाद हम देखे तो पुलिस और आबकारी विभाग जगह जगह कार्रवाई कर रही है। आज एक बड़ी कार्रवाई के रूप में देखा जा रहा है, बड़ी मात्रा में शराब जब्त तो हुई है लेकिन आरोपी फरार है। देखिए, खरगोन में जो आप जहरीली शराब का कांड कह रहे हैं उससे मैं सहमत नहीं हूँ आपकी बात से। एक्चुअल में जो जहरीली शराब का कांड होता है उसमें आप देखेंगे, मुरैना में आज, भरतपुर में भी हो गया, राजस्थान में, उसमें सामान्य रूप से आँखों पर सबसे पहले रोशनी जाती है, आँखें फैलती हैं, पुतली फैलती हैं, इस प्रकार की चीज़ें यहाँ नहीं थी। यहाँ पर सामान्य रूप से आप देखेंगे मेडिकल रिपोर्ट में भी लोगों को उल्टी दस्त की शिकायत मिली है, तो वो जो है वास्तविक रूप में खाने में क्या आया है, दूसरी चीज़ें हैं, इसके कारण है इस तरह की चीज़ें नहीं रही हैं। शराब तो विदेशी ही है, विदेशी में बियर है और स्प्रिट है, मतलब विस्की और बियर, बॉम्बे विस्की और बियर है, ये आप लोग यहाँ पर फ़ोटो लिए हैं। तो ये जो शराब है, घटनाक्रम ये है कि हमको ये खबर लगी थी कि संक्रांति के समय पर जनरली शराब इधर उधर ज़्यादा उपयोग में लाई जाती है, तो महाराष्ट्र तरफ से कहीं से शराब ला के खेप रखी गई है। तो उसकी सूचना पर हमारा दल एसपी साहब, कलेक्टर साहब के निर्देश पर, पुलिस के सहयोग से, पुलिस का एक दल भी साथ में था, उसके सहयोग से वहाँ पर गए आज सुबह से, और वहाँ जाकर इनको इतनी पेटी शराब मिली। इसके साथ साथ 2 स्पिरिट की केन मिली जो खाली थी, लेकिन उसमें स्पिरिट की बदबू आ रही है, 35-35 लीटर केन है, और कुछ शराब इसमें से जो ऐसी है जिन पर लेबल नहीं लगे हैं, तो ये संदेह है कि बनाई गई है या कहाँ से लाई गई है, कहीं और बनवाई गई है, तो उस बात की हम लोग जाँच कर रहे हैं। और अभी अभी ये आरोपी साहिबा जिसके मकान से जब्त की गई थी, वो भी अभी उसको पकड़ हमारी टीम ले आई है, तो वो भी आरोपी भी हमारा गिरफ्तार हो गया। अब इसके संबंध में आगे जो भी पूछताछ। सर, क्या जैसे मुरैना का जो घटनाक्रम हुआ उसके बाद कम से कम खरगोन आबकारी का विभाग सजग नजर आ रहा है, क्या कारण है कि इसके पहले अभी तक ऐसी कोई बड़ी कार्रवाई आबकारी विभाग ने करी नहीं? ऐसा है कि आबकारी विभाग तो पूरे साल से सजग रहा है और बड़ी कार्रवाइयाँ भी हुई हैं, पर क्या होता है कि जब एक एक कार्रवाई आप लोग देखते हो तो वो इतना बड़ा नहीं दिखता है। अभी हम आपको 1 जनवरी से डाटा दे रहे हैं जिसमें लगभग 4,000 केसेस बनाए गए हैं, 50 गाड़ियां जब्त की गई हैं, और इसमें लगभग 4,000-3,500 लीटर देसी शराब, हाथ भट्टी शराब, महुआ लहान लगभग 4,80,000 किलोग्राम, लिमड़ी ताड़ी, इसमें 49 के भी केस बने हैं और 34-2 के भी कई केस बने हुए हैं और 50 गाड़ियां जब्त हुई हैं। तो इतनी बड़ी मात्रा में कार्रवाई हमारे द्वारा एक साल में की गई, पिछले 1 महीने भी कई कार्रवाई की गई, आप पूरा डाटा लेंगे तो पता चलेगा। और सजग तो रहना चाहिए हमेशा, पर निश्चित रूप से जब कोई घटना, आज एक बड़ी कार्रवाई की गई, आज हमारे द्वारा एक बड़ी कार्रवाई की गई है। आबकारी विभाग तो पूरे साल भर से हरकत में रहा है, और पिछले 1 साल में मैं आपको बता देता हूँ जानकारी के लिए, हमने लगभग 3987 मतलब 4,000 के आसपास हमारे द्वारा केस रजिस्टर किए हैं, जिसमें 3,500 लीटर मोटे तौर पर बता रहा हूँ मैं, देसी मदिरा, हाथ भट्टी की लगभग 26,600 लीटर मदिरा, महुआ लहान 48,000, 4,80,000 किलो, और लिमड़ी ताड़ी इस प्रकार से, और 50 वाहन हमारे द्वारा जब्त किए गए 1 वर्ष में। ये मैं 1 जनवरी 20 से 1 जनवरी 21 की कार्रवाई बता रहा हूँ। अभी कुछ समय से हमारे यहाँ दिसंबर में भी अच्छी कार्रवाई हुई है, नवंबर में भी कार्रवाई हुई है, उनके आप चाहें तो अलग अलग फिगर ले लें। आज का जहाँ तक कार्रवाई है तो आज एक विशेष रूप से सूचना मिली थी जिसमें कलेक्टर महोदया और पुलिस अधीक्षक जी द्वारा जो है बहुत सहयोगपूर्ण रूप से उसमें कार्रवाई करने के लिए निर्देश दिए गए थे, और उसमें ये सूचना थी कि बड़ी मात्रा में महाराष्ट्र की बॉर्डर पर एक स्थान था जहाँ से हमारे द्वारा जब्त की गई है, वहाँ पर बड़ी मात्रा में शराब आई है और स्प्रिट भी मिलने की संभावना है। इन दोनों सूचनाओं पर हमारे द्वारा दल, पुलिस के द्वारा, एसपी साहब के द्वारा उपलब्ध कराए गए पुलिस फोर्स के सहयोग से वहाँ पर हमारे दल ने दबिश दी सुबह जाकर। तो उसमें हमारे यहाँ ऐसा है कि ग्राम पलोना ये है, इसमें साहिबा जो वहाँ का निवासी है उसके यहाँ पर एक बड़ी खेप, ऐसी खबर थी कि मकर संक्रांति के लिए बटने के लिए ये महाराष्ट्र तरफ से आई है, तो उसकी सूचना पर हमारा दल वहाँ पर गया था, और इसमें जो है ग्राम गड़लिया आम है वो एक पलोना है, गाड़गिया आम और पलोना, इनमें जो है भाईदास और पलोना निवासी साहिबा की यहाँ पर तलाशी ली,
तो भाई दास के निवास से कुछ भी नहीं मिला हमको, लेकिन साहिबा के यहाँ से जो है हमको ये शराब जो आपने अभी फ़ोटो लिया है इसकी मैं बता देता हूँ कि 51 पेटी बॉम्बे विस्की की शराब है और जो है 55 पेटी हमारे पास प्रेसिडेंट बियर है। इसका मूल्य लगभग आप 4 लाख रुपए के आसपास माने कि इतनी शराब हमको जब्त हुई है। 2 स्प्रिट की केनें मिली हैं जिस केन में जो है स्प्रिट की बदबू आ रही है, बड़ी बड़ी 35-35 लीटर की केन है। और कुछ हमारी जो शराब आई है इसमें आप देखेंगे कुछ पौए में ना होलोग्राम है ना लेबल है, तो हमको ये भी संदेह है कि ये कहीं स्प्रिट से भरा ही नहीं गई हो, तो इसके लिए भी हम लोग जांच कराएंगे अलग से FSL में या जैसे भी जांच होगी। लेकिन माना जा सकता है कि नकली शराब अगर इस तरह से नहीं, देखिए अभी हम नहीं कह सकते, लेकिन हम इसको जांच कराएंगे, अगर ये मानव पीने के अनुपयुक्त आएगी तो उसके संबंध में तदनुसार कार्रवाई भी की जाएगी, है ना। तो वहाँ पर जाके हमने इतनी शराब ये जब्त की इसमें कलेक्टर महोदय का निर्देशन रहा, SP का सहयोग रहा, इतनी बड़ी टीम रही पर आरोपी फरार हो गया, बड़ी शर्मनाक बात कही जा सकती है। आरोपी फरार, देखिए आरोपी हम लोग जब कार्रवाई कर रहे हैं आरोपी भी पकड़ लिया जाएगा। अब कोई आदमी घर से भाग के फरार हो जाए या गाड़ियों की आवाज़ सुन के फरार हो जाए, जो चोर होता है उसको पता है कि मेरे घर ही आ रही होगी पुलिस तो भाग गया, तो उसके लिए तो प्रयास किया है इन्होंने और टीम तो गई है, सभी जगह टीम जाती है, पर अगर भाग गया है तो उसको पकड़ लिया जाएगा। ये जहाँ का माल अगर पता चलता है तो क्या ठेकेदार के खिलाफ भी कार्रवाई होगी ऐसा लग रहा है? अभी तो ये महाराष्ट्र, हमारे पास जो सूचना थी वो बाहर से आने की सूचना थी। नंबर दो ये है कि अगर ये होगा, ये सिद्ध होगा, पहले तो आरोपी पकड़ा जाएगा, उसके बाद कहाँ से है, क्या कहाँ से लाया है, या नकली भराई है उसने भराया या कहीं से भर के लाया है, ये सब चीज़ों की जाँच की जाएगी। क्या सुनना मिलते हैं मनीष करें? थैंक यू सर। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।